वहाँ पता चला कि कोई पैसेंजर गिर गया है। जब साइड में जाके हम लोग देखे तो वो दो बॉडी दो पार्ट से कट चुकी। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा भाई एकदम मस्त है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होगे। और जैसा मैंने बोला था, मैं स्पेयर होने वाला हूँ, बट मैं अभी तक स्पेयर नहीं हुआ हूँ। मैं यहीं पे हूँ, डबूरा में, ये रेलवे कॉलोनी, यही मेरा रूम है। और बस अभी नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। सोचता हूँ थोड़ा सा ब्लॉग बना लेता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अपने भाई को। और कुछ बताता हूँ तो बॉस कंटिन्यू। मैं अपने रूम का ताला खोलने जा रहा हूँ। देखो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो येलो बॉर्डर में आपको एंट्री दिखाता हूँ। ये तो सफाई वफाई नहीं किया है मैंने, और कोई पैकिंग भी मैंने नहीं की है। अब वैसा ही है जैसा पहले का। क्या है कि पहले लग रहा था कि स्पेयर होने वाला हूँ, थोड़ा सा पैकिंग करने लगा था, लेकिन जब लगा कि अब नहीं हो रहा हूँ तो फिर मैंने पैकिंग बंद कर दी। अच्छा किया, और मैं बता करके बताना अच्छा किया कि बुरा किया। देखो एक हाथ से ताला कैसे लगा। देखो आप एक हाथ से ताला लगा सकते हैं, मैं लगा सकता हूँ। मैं आपको एक हाथ से ताला लगा के दिखाता हूँ। ताला लगाएगा तुम्हारा भाई आज। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये कमेंट करके बताना कि कौन कौन एक हाथ से ताला लगा लेता है। ओके, लाइट है कि नहीं घर में? लाइट तो होना चाहिए यार। ओ नो, देखो लाइट नहीं है। और देखो आदमी नाइट ड्यूटी करके आया, कैसे सोएगा, कैसे क्या करेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो कल का एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। तो इमरजेंसी लाइट है मेरे पास, देखो लाइट चालू कर दूंगा। लाइट जल गई, क्या बढ़िया था गुरु। और अभी नाइट ड्यूटी करके जस्ट में आया हूँ। पूरा रूम वैसे का ऐसा फैला हुआ है। और क्या बता रहा था, कल मैं कल ऐसी नाइट ड्यूटी। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अपने बारे में। मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, डबोरा में अभी मैं पोस्टिंग हूँ, मतलब है मेरी पोस्टिंग। और विराज पूरा ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं स्पेयर हुआ नहीं। थोड़ा सा अपन लोग का अटैचमेंट रहेगा, थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में जानकारी रहेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा भाई कौन है, कौन ब्लॉग बनाता है। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया। अभी अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप भी अपने बारे में थोड़ा सा कमेंट करिएगा। और क्या बता रहा था, हाँ कल क्या हुआ था, मैं आए नाइट ड्यूटी करके, फिर 16 घंटा किया था, मतलब 16 बजे से किया था, सुबह 8 बजे आया, उसके बाद 12 घंटा का सब्जी बना के बना के सो गया था। तो देखो बना रहा था, सोचा था कि बस थोड़ा सा आँख बंद किया और बस देख सकते हैं आप। चिकन बना रहा था, चिकन की कैसी हालत, आप पहचान भी नहीं पाओगे कौन सी सब्जी है। पूरी सब्जी जल चुकी है, अब देखो अब पूरा क्लियर दिख रहा है। तब भी कोई नहीं, इसी को ले गया था डब्बे में। तो बस यही है। और क्या बताऊँ, और ये बता देता हूँ बॉस कि ट्रेन में यार उतरते चढ़ते टाइम सावधानी बरता करें। जब सिग्नल मिल जाए तो मैं ये बता रहा था, जैसे अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हो, करते ही होंगे लाइफ में, हर कोई यात्रा करता है, रेल से, भारतीय रेल से यात्रा करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे भी आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और ट्रेन आती है, तो आप सिग्नल का ना इंतज़ार करें और आप बैठ जाएँ ट्रेन पर, और बार बार चढ़ने उतरने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि अंदर के पानी की बॉटल्स हैं जो लोग दे रहे हैं, उन्हीं से आप कैरी करें। बार बार नहीं कि आगे आया प्लेटफॉर्म तो फिर आप उतर रहे हैं, अगर ज़्यादा स्टॉपेज है तो ही आप उतर। क्योंकि अभी कब की, 4 तारीख की बात है, 4 तारीख को यहाँ टिटला का पैसेंजर अपने जाती है। और मैं यूपी में था, और उस दिन क्या था कि हमारे यहाँ स्टेशन में 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन उस दिन गाड़ी आगे सेक्शन में उतर तो 6 मिनट रुकी थी, उसके बावजूद पैसेंजर उतरा। और उतरने के बाद वो पता नहीं क्या कर रहा था, पानी पी रहा था कि क्या कर रहा था, मेरे को नहीं मालूम। मैं ड्यूटी में था स्टेशन में। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब मैंने सिग्नल दिया, हॉर्न मारा, उसके बाद पता नहीं वो कैसे उतरा क्या चढ़ा, तो
उसके बाद ट्रेन आगे जाने लगी। अब मैं सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए गार्ड्स देखने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं, मैं बाहर में खड़ा था। तो फिर एक आदमी था, उसने बहुत जम से ट्रेन को पीट रहा था, गार्ड वार्ड बंद कर दिया एकदम से। मेरा पता नहीं क्या ताला लगा था कि क्या है, खुद गिर जाएगा क्या करेगा। तो मैं उसको देख रहा था, वो पीछे की ओर इशारा कर रहा था, मेरे को लगा शायद उसका बैग गिर गया कि क्या हो गया। तो हम लोग उसको साइड में वहाँ पे देखे, तो उसमें वहाँ पता चला कि कोई पैसेंजर गिर गया। जब साइड में जाके हम लोग देखे तो वो जो बॉडी दो पार्ट से कट चुकी थी, वो तब भी वो जिंदा था। उसने सब जगह पुलिस GRP जो भी है लोकल थाना पुलिस सब जगह मैंने फ़ोन किया, कंट्रोल को बताया और एम्बुलेंस को मैंने फ़ोन किया 108। उसके बाद एम्बुलेंस, ये अच्छा रहा कि मैंने आज देखा कि एम्बुलेंस कम से कम आधा घंटा लगा होगा उनको और वो आ गई थी। 1846 के लगभग की घटना है और 1930 तक वो सब सेक्शन क्लियर हो गया था, ट्रेन चलने लगी थी। और मैंने कंट्रोलर जो थे उनको सजेस्ट किया कि अभी मत चलाइए, क्या कि वो जिंदा है और कैसे उसके ऊपर से ट्रेन चलाएंगे। थोड़ा सा एक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अंदर अजीब टाइप का फीलिंग हो रहा था। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सैड, और पहली बार मेरी ड्यूटी में ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ एकदम समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का, एकदम समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ, लेकिन तब भी मैंने जैसा बना मेरे लेवल से मैंने किया। लेकिन मैं ये सजेशन करूँगा भैया, कभी भी आप नहीं उतरें, हीरोगिरी मत करें, अंदर बैठ के यात्रा करें। सीट ना मिले तो भी अंदर साइड रहें, दरवाजे में बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि कोई ना कोई आपका घर में इंतज़ार कर रहा है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी कोई इंतज़ार कर रहा है, जहाँ से जा रहे हैं वो भी आपके लिए मंगलमय कामना करते हैं, भारतीय रेल भी मंगलमय कामना करती है आपके लिए। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और किसी का ये मोटो नहीं रहता कि कोई ऐसा कुछ हो, है ना, कि ड्राइवर हैं वो जानबूझ के कंट्रोल करते तो ऐसा कुछ होता, लेकिन ऐसा उनके अंदर में नहीं रहता। जितनी पैसेंजर है उनका सब लोग, उनको देखना पड़ता है कि ब्रेक मारेंगे तो हो सकता है गाड़ी भी पलट जाए। तो बहुत कोशिश भी करेंगे तो 700-800 मीटर लग जाएगा गाड़ी को कंट्रोल करने में। तो मेरी सजेशन ये है कि आप भैया गाड़ी आए, पानी आनी जो भी है पहले से कैरी करके रखें, और ट्रेन आए आराम से बैठें, और बार बार उतरें चढ़ें नहीं। जहाँ पे आपको जाना है वहाँ तक आप व्यवस्था करें। और वैसे भी ट्रेन में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, पूरे आते हैं पानी बॉटल्स देते हैं, तो ये बहुत मेरे लिए तो माइंड मेरा। मैं तो उस दिन आया तो मैं उस दिन खाना तक नहीं खा रहा था, 10-11 बजे हो गया, 1-2 घंटा घर में बात किया, मैंने बोला कि बात करता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर बात करने के बाद फिर मैं जाके कहीं 11 बजे मैंने खाना बनाया, फिर मैं खाया। तो अभी तक मैं सोचता हूँ ये एकदम, फिर उसके बाद उसके फैमिली वाला कोई आया नहीं था शायद, कुछ पता नहीं था। मैंने कुछ पता किया, जितना उससे जानकारी मिली मुझे उस टाइम जिंदा था, उसने बहुत कुछ बताई डिटेल्स, तो थी हम लोग ने लिखी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन वहाँ पे कोई मिला नहीं। उसका मोबाइल नंबर भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, ना उसके पास फ़ोन था ना कुछ था, तो भी नहीं पता चला। उसके पास कुछ नंबर वंबर भी कुछ नहीं मिला था, तो हम लोग ने तो देखा नहीं, लेकिन वो तो एम्बुलेंस आके ले गई और उसने कुछ बताया नहीं कि ऐसा कुछ है कि ये नंबर है आप लगाइए। फिर उसके अगले दिन उसके फैमिली वाले आए उसी टाइम पे 7:30-8 के लगभग, तो उन्होंने बताया कि इनके पिता जो हैं वो थोड़ा सा दिमाग से थोड़े से वैसे हैं, कुछ कम हैं। तो वो आ गए थे पैदल, अगले स्टेशन में उतर के वो पैदल पैदल चल के दगोरा स्टेशन तक आ गए थे, लेकिन वो मतलब माइंड से उतने स्टेबल नहीं है, तो वो मेरे पास भी नहीं आए मिलने, स्टेशन में किसी से मिलने नहीं आए। तो उसके बाद फिर वो अपने घर में गए, जहाँ पर रायगढ़ गए, जहाँ भी गए, तो फिर किसी को लेके आए। फिर उनके साथ वो आए और पूछे कि कैसे क्या हालत है, तो मैं तो बोला अभी तक ठीक नहीं है, आपको कल मिलेगी। मैंने धीमे से बता दिया, मतलब कि उनको ना, उनके पिता को नहीं, उनके साथ में जो थे उन लोगों को बता दिया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, वो आपको पोस्टमार्टम होगी कल मिलेगा। तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भाई, यहाँ पर मोबाइल पकड़ा हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल पा रहा हूँ, कि बिल्कुल भी आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आपका फैमिली, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, भारतीय रेल आपकी सुखद रेल की कामना करती है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें, बढ़िया यात्रा करें, बहुत अच्छे से जाएँ, बढ़िया जहाँ जाना है वहाँ जाएँ। तो बस यही है मेरा आज का ब्लॉग। तो अगर आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता तो अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय जय इंडिया, जय रेल।